फ्रेंड्स, मैं हूं आशा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रेस मेकर आशा में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए हमने एक 2 मीटर का कपड़ा लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फ्रॉक के लिए हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, जिसको हमने डबल फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड में किया है और उसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखा है। उसके बाद हमने कपड़े को अच्छी तरह से परफेक्ट बिठा लिया है। और इस तरह से इस पर पिन अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कमर है 22 इंच, जिसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। उसके बाद हम 11 इंच चोली के लिए निकालेंगे और हमारी टोटल लंबाई है 30 इंच, तो हम 11 इंच चोली का निकालते हुए 30 इंच पर निशान लगाएंगे। उस तरह से इसको गोल शेप देते हुए निशानों को मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कमर को भी हम थोड़ा सा गोलाई में शेप देते हुए कटिंग करेंगे। अब नीचे के पार्ट को भी हम ट्रायंगल शेप में रखेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड में है। कटिंग किया हुआ पार्ट इसके ऊपर रखकर इसको भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डबल अम्ब्रेला है, सिंगल अम्ब्रेला नहीं है, इसलिए हमें इसके 2 पार्ट निकालने पड़ेंगे। साइड से कपड़ा निकल रहा हो तो इसको कट कर दे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब हम चोली यानी कि टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को हम सीधा करेंगे। तो हमारे टॉप पार्ट के लिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में रखा है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच और मुड्डे भी लेंगे 5.5 इंच। गले की चौड़ाई है हमारी 2.5 इंच और डीपनेस है 3 इंच। इस तरह से इसको शेप देते हुए अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हमने आगे और पीछे के गले की डीपनेस सेम ही रखी है 3 इंच। तरह से कमर का शेप देंगे और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की ओर कटिंग करेंगे। अब हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। तब हम टॉप पार्ट के अस्तर की भी कटिंग करेंगे। हम 1/2 अस्तर लेंगे इसमें। इस तरह से कपड़े को रखकर इसके बराबर शेप दे देंगे। अब हम बैक पार्ट में 2 इंच का कट लगाएंगे हुक के लिए। ये हम बैक पार्ट में करेंगे। अब हम घेरे के अस्तर की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है।
जिसकी लंबाई चौड़ाई 30 इंच है। अब इसको भी हम ट्रायंगल शेप में रखेंगे। और हमारी कमर थी 22 इंच, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 5.5 इंच आएगा। इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6 इंच। तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। याद रखें हम इसको अस्तर को 4 से डिवाइड करेंगे। और जब हमने ऊपर का घेरा कटिंग किया था तो डबल डबल किया था, इसके लिए उसको 8 से डिवाइड किया था। तो हम अस्तर को इससे 3 इंच छोटा रखेंगे नेट के कपड़े से, और इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की ओर लेंगे और शेप देंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर के घेरे की भी कटिंग कर ली है। ये हमारी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। इस तरह से अस्तर को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए अंदर की ओर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें उल्टी साइड पे करना है, ये हमारी सीधी साइड है। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे, जिसके लिए हमने उरेब पट्टी काटी है 1.5 इंच। इसको हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब इसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे हमारी पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको चारों ओर पक्का करेंगे। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। हमने फ्रंट की तरह इस तरफ चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब हम जहाँ पर कट लग रहा था वहाँ पर 2 इंच की पट्टी काट कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर छोटे कट लगाएंगे, जिससे पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाएगी। उसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी को अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा ली है इस पर। तो हम बैक गले पर भी पट्टी अटैच करेंगे, जिस तरह हमने फ्रंट में की थी उसी तरह से। तो हमने दोनों तरफ पट्टी अटैच कर ली गले में। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए कंधे पर सिलाई लगाएंगे।
राइट पार्ट दोनों अंदर की ओर रहेंगे। इस तरह हम दूसरे कंधे पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम कंधे की साइड पर पट्टी अटैच करेंगे। तो इसी तरह हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए, दोनों साइड पट्टी भी अटैच कर लिए। हम नीचे के घेरे को अटैच करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है और ये इसके ऊपर का कपड़ा है। इसको हम इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस तरह सिलाई लगा ली है। हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह रेडी करेंगे। नेट के कपड़े को अस्तर के कपड़े के ऊपर रखते हुए कमर की ओर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको टॉप पार्ट पर अटैच करेंगे। तो कमर की तरफ अटैच करेंगे इसको और इसका सेंटर निकालेंगे और घेरे का भी सेंटर निकालेंगे। इन दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे हम, इसलिए हमने पिन अटैच कर दिए। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। राइट पार्ट दोनों अंदर की ओर रखते हुए उल्टी साइड ऊपर की ओर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ का घेरा अटैच कर लिया है, अब हम दूसरी तरफ भी करेंगे। इसी तरह इसमें भी हम सेंटर निकालेंगे इसका और दोनों निशानों को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम बेल्ट के लिए पट्टियाँ अटैच करेंगे, जिसके लिए हमने इसकी लंबाई 20 इंच ली है और चौड़ाई 5 इंच ली है। हमको सीधा करेंगे इसको। इसी तरह हमने दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली है। अब हम इनको फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है टॉप पार्ट का।
तो इसके कमर के यहाँ ऊपर इसको अटैच करेंगे। दूसरी ओर भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह कमर के निशानों को मिलाते हुए पिन अटैच करेंगे और फिटिंग की हम सिलाई लगाएंगे अब इस पर। हमारी कमर है 22 इंच, इसका आधा होगा 11 इंच, तो ये 12 इंच आ रहा था। हम एक एक इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 24 इंच है, इसलिए हमने 12 इंच लिया है। इस तरह हमने टॉप पार्ट में साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हम अस्तर के कपड़े की अलग से सिलाई करेंगे और उसके ऊपर वाले घेरे की अलग से सिलाई करेंगे। तो हमारे अस्तर के कपड़े की सिलाई हो रही है। इस तरह हमने ऊपर के कपड़े की सिलाई अलग से की है नेट के कपड़े की। इस तरह से बेल्ट अटैच किया है बैक पार्ट में, इस तरह से इसको बांध सकते हैं। और इसमें एक छोटा सा बो अटैच किया है जिससे हमारी फ्रॉक का लुक बहुत अच्छा आया है। तो ये हमारी बेबी फ्रॉक